नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर एटा से है। सीएमओ ने किया सीएचसी अलीगंज का औचक निरीक्षण। निरीक्षण के लिए सीएमओ के साथ आई टीम में कई कर्मचारी दिखे बिना मास्क के। सीएमओ ने किया सीएचसी अलीगंज का निरीक्षण, गंदगी को देखकर लगाई लताड़। औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप, कई कर्मचारी मिले नदारद। प्रसवोत्तर वार्ड में महिला कर्मचारियों ने सीएमओ से सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड के लिए गुहार लगाई। वहीं कोल्ड चैन का तापमान मेंटेन करने के निर्देश दिए। इसके बाद टीकाकरण कार्यक्रम और कोविड स्पेशल टीम का निरीक्षण किया। सीएमओ के साथ कई कर्मचारी बिना मास्क के दिखे। जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने संबंधित महिला कर्मचारी को कड़ी चेतावनी दी और भविष्य में ऐसी भूल न करने के लिए निर्देश दिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। हम साहब, आप अलीगंज आए हैं, औचक निरीक्षण किया है, क्या खामियां मिली हैं और क्या दिशा निर्देश दिए हैं आपके द्वारा? आज हमारे यहाँ पे अलीगंज में कुछ लोग उपस्थित पाए गए हैं और उनका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके बाद जो है, कई लोग कोविड कोरोना काल चल रहा है, चूंकि संक्रमण बढ़ रहा है, जैसे जैसे सर्दी आ रही है, दिल्ली के भी हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। आपकी टीम में भी कई मेंबर्स ऐसे थे जो मास्क नहीं लगाए थे, क्या कहना चाहेंगे सर? मास्क लगाने का तो सरकार की तरफ से हरेक को निर्देश दिया गया है और अगर कोई व्यक्ति हमारे स्टाफ में ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है और उसके खिलाफ भी एक्शन किया जाएगा। एक महिला वार्ड था जिसमें सारी महिलाएं जो पीड़ित थी, यानी कि जो एडमिट थी, वो किसी कोई भी मेरा मास्क नहीं लगाएगी। देखो, मास्क जो है ना, जब अगर वार्ड में बीमार व्यक्ति है तो उसे मास्क लगा के रहना चाहिए और यहाँ के जो इंचार्ज है उन्हें मैं कहूंगा कि इस तरह के निर्देश वो अपनी तरफ से जारी कर दें। कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई देती है डॉक्टरों ने, जारी कर दिया जाए कि वो मास्क लगा कर रहे। ये खामियां मिली है सर, आप अपने स्तर से क्या सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से हर एक स्तर पर सुधार किया जाएगा और ज्यादा अच्छा हम लोगों के लिए काम कर सकें, बेहतर काम कर सकें, इसका प्रयास करें।